यादव दरअसल ये कह रहे हैं कि दीपावली विरोधी ज्ञान देते हुए वो ये कह रहे हैं कि दीपावली से पहले आप दीपावली में पटाखे ना चलाएं। उन्होंने वीडियो जारी किया इसके लिए बकायदा, पटाखे फोड़ने की अपील। उन्होंने कहा है कि ना फोड़ें, पटाखे फोड़ने से जानवर डर जाते हैं। राज्यपाल ये समझा रहे हैं पटाखों से वायु प्रदूषण भी होता है, पोल्यूशन होता है, राज्यपाल ये कह रहे हैं। और वीडियो के बाद सोशल मीडिया पर वो जमकर ट्रोल भी हो रहे हैं। लोग अब राज्यपाल यादव से सवाल पूछ रहे हैं, कह रहे हैं कि ईद पर आपका पशु प्रेम कहाँ चला जाता है जब तमाम जानवरों को स्लॉटर किया जा रहा होता है? आपका पशु प्रेम उस वक्त कहाँ जाता है जब इस तरह की खबरें आती हैं? आप 5-5, 6-6 ACs यूज करते होंगे, गाड़ियां यूज करते होंगे, उनसे पोल्यूशन नहीं होता? पब्लिक ट्रांसपोर्ट यूज कीजिए। बहुत सारी चीजें इसको लेकर प्रश्न अब पूछा जा रहा है राज्यपाल यादव से। और राज्यपाल यादव ने क्या वीडियो शेयर किया, हमने तो आपको बड़ी बड़ी बातें बताई, जरा एक बार देखिए किस अंदाज में राज्यपाल यादव कह रहे हैं कि दीपावली में पटाखे ना फोड़ें। देखिए, जानवर बहुत डरते हैं पटाखों से, एयर पोल्यूशन होता है, आसपास नॉइज बहुत होता है, इन सब के बगैर भी दीपावली प्यार से मना सकते हैं, इसलिए प्लीज प्लीज नो। और आपको बताएं, सिर्फ राज्यपाल यादव एक इकलौते अकेले नहीं है, ये तो उनका अभी का वीडियो है, लेकिन ऐसे बहुत से सितारे हैं जो पहले भी इस तरह की बात प्रमोट कर चुके हैं। वो बार बार ये समझाते हैं कि पटाखे ना फोड़ें और त्योहारों पर भले कुछ ना बोलें, लेकिन खास तौर पर होली दीपावली जो साल के दो सबसे बड़े त्योहार होते हैं, उस पर पानी के एक तरह से वेस्टेज की बात करने लगते हैं, पॉल्यूशन की बात करने लगते हैं। जरा आपको सुनवाते हैं जरा किस तरह से ये जो सिने स्टार्स हैं इनका बदला हुआ अंदाज सिर्फ हिंदू त्योहारों पर क्यों सामने आता है, पहले सुनिए आप। पूरा पैसा या तो गरीबों के पास अनाथ आश्रम में या बुजुर्गों जो ओल्ड एज होम है वहाँ देना चाहती हूँ। मुझे नहीं लगता कि फटाके फोड़ना चाहती हूँ मैं, क्योंकि इट्स लाइक बर्निंग मनी। प्लीज क्रैकर्स मत बर्स्ट कीजिए, क्योंकि हैप्पी दिवाली, प्लीज पटाखे मत फोड़ना, द डॉग्स फील वेरी अपसेट। तो हिंदू त्योहार खास तौर से लोगों की आंखों में चुभ रहे हैं ऐसा लग रहा है, क्योंकि आप देखिए ना, गणेश विसर्जन से आप पूरी तस्वीर देख रहे हैं। हम लगातार प्रहार में आपको दिखा भी रहे हैं कि कैसे हर त्योहार को टारगेट किया जा रहा है, और हर त्योहार को टारगेट करने का स्टाइल अलग होता है, मॉड्यूल अलग होता है। अभी भी यही हो रहा है और यही कह रहे हैं बड़े चेहरे भी। सुनिए सर, केवल हिंदुओं के त्योहारों पर क्यों? सबका परीक्षण ऐसा करो, देश काल परिस्थिति के अनुसार बदलो। कर्मकांड कोई ध्रुव रेखा नहीं, वो बदलते रहता है, इसमें हिंदुओं में मना ही नहीं है। और आप ये कहो कि पर्यावरण के लिए खतरा है और हिंदुओं में सुधार की परंपरा है, तो इसका विचार करना चाहिए तो लोग मानेंगे ना। पटाखे शताब्दियों से नहीं, हजारों साल से चलते आ रहे हैं और सब लोग खुशी मनाते रहे, पूरा देश खुशी मनाएगा, और ये कहेंगे कि पटाखे न चलाओ। जो भी हिंदुओं का त्योहार आएगा, होली आएगी, कहेंगे कि रंग ना खेलो। हम अपनी परंपराएं कैसे छोड़ते हैं? हम उसके उपाय करने चाहिए, प्रदूषण ना हो इसके उपाय करने चाहिए, पटाखे का स्वरूप चेंज हो जाए। लेकिन आप बंद कर दो, प्रतिबंध लगा दो, और आपने पहली रोकने का काम नहीं किया जो आपके कार्यकर्ता पंजाब में करा रहे हैं। लेकिन ये एक षड्यंत्र है त्योहारों को बाधित करने का, क्योंकि रामलला विराजमान हुए 550 साल के बाद अयोध्या में, और अब की दिल्ली की खुशी क्या पूरे देश की खुशी देखने बनती है। तो सुना आपने, राजनेता भी ये कह रहे हैं कि हिंदू त्योहारों से आखिर दिक्कत क्या है। और सवाल जो मुंबईकर्स पूछ रहे हैं, जो मुंबई के सिने स्टार्स पूछ रहे हैं, जरा मुंबई की एक खबर उनको दिखा देते हैं, वो जरूर उन्हें देखनी चाहिए क्योंकि उनकी आंखें खुलेंगी। जरा ये तस्वीर देखिए, हिंदू त्योहार में मुस्लिम परेशान है। वो कह रहे हैं कि आप लड़ियां मत लगाइए, आपके घरों पर भी आपने सजावट कर रखी होगी दीपावली पर, एक तरह से दीपों का जो त्योहार है उसे सजाने के लिए आप लाइट्स लगाते हैं, रंगीन लाइट्स अपने घरों को एक तरह से रोशनी से नहला देते हैं। और देखिए उसको लेकर अब यहाँ पर बकझक हो रही है, सुनिए जरा। तो हमारे घर पर इवेंट बन रहा, हमारे घर पर नहीं, आप जितना लगा रहे हैं ना, आराम के बाद लाइट जलाना नहीं, लाइट जलाना नहीं, लाइट नहीं जलेगी, लाइट चलेगी, लाइट चलेगी, कैसे कर सकते हैं, लाइट चलेगी, क्यों फैसले कर रहे हैं? नहीं, आपसे आपने सुनिए, हमारा क्या बात हुआ, हमारा क्या बात हुआ, देयर इज नो फेस्टिवल इन आवर सोसाइटी। तो हमारे घर पर इवेंट बन रहा, हमारे घर पर नहीं, आप जितना लगा रहे हैं ना, आराम के बाद लाइट जलाना नहीं, लाइट जलेगी। सुना आपने, ऐसा लग रहा है कि दिवाली की रोशनी से एलर्जी सी हो गई है।
कि हमारी सोसाइटी में फेस्टिवल मनाया नहीं जा रहा, इसलिए आप रोशनी नहीं लगा सकते अपने घर में। अब कोई हमें ये बताएगा कि हमें अपने घर में दीपावली के दिन दीपों को जलाना है या नहीं, ये सवाल बना हुआ है। और ये तस्वीर प्रश्न करती है, बहुत गंभीर प्रश्न करती है। नवी मुंबई की ये तलोजा सेक्टर 9 में ये विवाद हुआ है, जो हमने आपको अभी वीडियो दिखाया। पंचानंद सोसाइटी में हिंदू मुस्लिम यहाँ पर भिड़ गए। हिंदू कह रहे थे कि हमें त्योहार मनाना है, मुस्लिम कह रहे थे कि हमारी सोसाइटी में इजाजत ही नहीं है। दीपावली की रोशनी से मुस्लिमों को दिक्कत होने लगी। जो सौहार्द का वातावरण रहता है त्योहारों पर, हम त्योहार साथ में मनाते हैं, हर धर्म के लोग रहते हैं, वो जैसे लग रहा है गायब होता जा रहा है। देर रात महिलाओं को धमका कैसे रहे थे आपने देखा ना वीडियो में। बकरीद का बदला ये मुसलमान ले रहे थे, क्योंकि बकरीद के दौरान बकरा काटने से रोका गया था, घर के अंदर बकरा काट रहे थे तो रोका गया था, और उसको लेकर अब ये बदला ले रहे हैं कि आप लाइट नहीं लगा सकते। इसको लेकर कैसे एक तरह से झड़प हो रही थी, धमका कैसे रहे थे, ये आपने देखा। तो ये धमकी का दूसरा मॉडल है जो फॉलो किया जा रहा है, जो हमारे आसपास के लोग कर रहे हैं कि क्या आप मुस्लिम दीपावली का विरोध करेंगे, ये अपने आप में प्रश्न बना हुआ है। लेकिन चलिए जरा अब आपको बताते हैं कि आतिशबाजी को लेकर नियम कितने सख्त हैं, कितने सख्त हैं, चलिए जानकारी जल्दी से आपके सामने रखेंगे। क्योंकि अभी ये कहा जा रहा है कि प्रदूषण बहुत है, तो बहुत ध्यान रखना है। कई जगहों पर बैन लगाया गया है, कहां कहां चलिए बता रहे। सबसे पहले दिल्ली की बात कर लेते हैं। दिल्ली में AQI लेवल कहा जा रहा है ज्यादा है, ऐसे में पटाखों पर दिल्ली सरकार ने पूरी तरह से बैन लगाया हुआ है, और पिछले कुछ सालों से यही स्थिति रहती है। पंजाब में सिर्फ 2 घंटे की छूट दी गई है। पराली जलाने की समस्या, जिसे कहा जाता है कि दिल्ली प्रदूषित हो रही, उसको लेकर ये कहा भी गया कि नियम बनाए गए, कानून बनाए गए, लेकिन दिल्ली पर कोई असर नहीं हुआ, अभी भी पॉल्यूशन वैसा ही रहता है। सरकार दोनों जगहों पर एक ही है। इसके अलावा हरियाणा में ग्रीन पटाखों की छूट दी गई है। वहीं आपको बताएं बिहार में भी 4 शहरों में पटाखों पर बैन रखा गया है। वहीं महाराष्ट्र में भी सिर्फ और सिर्फ ग्रीन पटाखों की छूट दी गई है। तो ये आतिशबाजी को लेकर नियम सख्त बनाए गए, इसलिए बनाए गए हैं जिससे कि प्रदूषण ना हो। लेकिन प्रदूषण क्या सिर्फ इसी त्योहार पर होता है? प्रदूषण क्या सिर्फ पटाखे जलाने से होता है? क्या गाड़ियों में जिनमें आप सफर करते हैं धुआं छोड़ती हुई गाड़ियां, पुरानी गाड़ियां, आप जो ACs लगाते हैं उससे जो CFCs निकलती है, क्लोरोफ्लोरोकार्बन निकलती है, क्या उससे प्रदूषण नहीं होता? क्या आप जो फ्रिज इस्तेमाल करते हैं उससे प्रदूषण नहीं होता? प्रश्न इसीलिए ज्यादा बड़ा हो जाता है क्योंकि आप पौधारोपण तो करते नहीं है, लेकिन आप प्रदूषण को लेकर ये जरूर कहते हैं कि पटाखे मत चलाइए। चलिए जरा आपको बताते हैं, ये जो आपको हम AQI दिखा रहे हैं, ये आपकी आंखें खोलने के लिए दिखा रहे हैं। लाहौर पाकिस्तान के AQI है, ये 2 दिन पुरानी रीडिंग है, जिसमें 700 AQI बताया गया, और सबसे ज्यादा पॉल्यूटेड, ग्लोबली पॉल्यूटेड शहर पाकिस्तान का लाहौर बताया जा रहा है। अब जरा ये बताइए, पाकिस्तान में क्या दीपावली मनते आपने देखी है? क्या वहां पटाखे फोड़े जा रहे हैं? जो AQI 700 पहुंच चुका है, और दिल्ली में 300 AQI है, और कहा जा रहा है कि पटाखे फोड़ेंगे इस वजह से ऐसा हो रहा है, पटाखे फोड़ने से पोल्यूशन बढ़ जाता है। तो पाकिस्तान में तो मेरे ख्याल में कोई पटाखे फोड़ता नहीं, इतनी आजादी नहीं देते हैं वहां वो अल्पसंख्यकों को कि वो कुछ कर पाए। उसके बावजूद ये जो प्रश्न होता है, ये हम सभी को सोचने की जरूरत है कि कैसे त्योहारों का जो हमारा पारंपरिक एक तरह से एक रंग है, उसको लेकर हम आगे बढ़ें। और अगर पोल्यूशन की इतनी चिंता है तो उसके लिए कुछ करें, ना कि सिर्फ हिदायत दें।